अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल हैं आप सबके? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं बनाने लगी हूँ पोहा नाश्ते के लिए। और ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था पैन में, और ये मैंने पीनट्स को फ्राई करके एक तरफ रख लिया है। और उसके बाद में जो बचा हुआ ऑयल है उसी में मुझे पोहा पकाना है। और मैंने सभी चीज़ें चॉप करके रख ली थी, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने ऐड की है इसमें एक चॉप करी हुई प्याज, और थोड़ी सी मैंने चिली भी, 3 से 4 चिली कट की थी उनको भी मैंने ऐड कर दिया है। और मैंने हल्का सा फ्राई कर लूँगी, सॉटे कर लूँगी, और थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट भी ऐड किया है। और इन्हें हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट होने तक ही फ्राई करना है। और पहले भी मैं पोहे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और इसमें मैंने डाले हैं करी लीव्स, जो कि पोहे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है करी लीव्स का। और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, हल्दी से बहुत ही प्यारा कलर आता है पोहे का। और हल्दी को हमें अच्छे से भून लेना है ताकि उसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। 2 से 3 मिनट हल्दी को भूनने के बाद ही मैंने उसमें पीनट्स ऐड किए हैं, और अच्छे से उन्हें भी फ्राई कर लूँगी। और जो पोहे वाले ब्राउन राइस हैं तो वो मैंने सोक करके रखे हुए हैं एक साइड पर, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी और अच्छे से सबको मिक्स कर लूँगी। और ये देखें, अच्छे से पोहे को मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें ऐड करनी है थोड़ी सी शुगर, तो मैंने 2 चम्मच शुगर ऐड की है इसमें। और इसके बाद में आप 1/2 लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए कितना टेस्टी पोहा बनकर रेडी हुआ है, और मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। और मेरा बेटा अभी सो रहा था तो मुझे लगी थी भूख, तो हम दोनों पहले नाश्ता कर लेंगे। तो ये एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है पोहा। और आज बनाई थी मैंने चाय, और मैं अपने बेटे के लिए भी एक छोटे कप में लेकर जा रही हूँ। अगर वो उठ जाता है तो वो भी हमारे साथ में ही नाश्ता कर लेगा। और मैं किचन बाद में साफ करूँगी, अभी थोड़ा सा काम और है मुझे किचन में, तब मैं एक साथ ही टॉप काउंटर इसका क्लियर करूँगी। और अब हम करेंगे नाश्ता, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने बेटे को उठाने के लिए। बट और आज हम आए हुए हैं बर्थडे पार्टी में, और जहाँ पे अभी हम कर रहे हैं नाश्ता दोबारा से। घर से भी हमने ब्रेकफास्ट किया था, फिर यहाँ आकर भी हमने दोबारा से नाश्ता किया है। और फिर मैंने थोड़ी देर तक कोई वीडियो शूट नहीं की थी, उसके बाद हमने खाया था खाना। और बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की हो रही थी। और खाना वगैरह खाने के बाद में हमने बलून्स फुलाए थे, और ये छोटे छोटे क्यूट से बच्चे भी थे, और जो कि बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था वहाँ पर। और हम सभी मिलकर बलून्स फुला रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर थी बर्थडे पार्टी, तो बलून्स से डेकोरेशन की थी, इसलिए थोड़े से बलून्स फुलाए थे।
और ये देवर हैं मेरे जिन का बर्थडे था कुछ टाइम पहले, मैंने बताया था आपको। और वो ये बच्चों ने भी फुल एंजॉय किया है वहाँ पर। सो क्यूट। तो हमने थोड़े से बलून्स लाकर वो ही डेकोरेशन की थी उससे, और यहाँ पर भी केक कट करवाया था बच्चों का, और बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं केक खाने के लिए, तो उन्हीं के लिए केक निकाल कर दिया जा रहा है। पर हो रहा है डांस, जो कि बड़े भी फुल एंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ साथ। ये जो वाइट कुर्ते में बेटा है छोटा सा, ये इसका बर्थडे था, और ब्लैक सूट में जो ये छोटी सी बेटी हमारी, इसका भी का भी बर्थडे था। तो इन दोनों क्यूट क्यूट से बच्चों का बर्थडे था। उसके बाद में हमने करी थी गोलगप्पा पार्टी, तो ये सभी मिलकर गोलगप्पे खा रहे हैं, और गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और अगर आज की छोटी सी वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। Wing. Oh, Sunday.